इस्लाम मजहब में कुर्बानी का पर्व मनाए जाने वाले ईद उल अजहा का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल अजहा 12वें महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। इसी महीने में हज यात्रा भी की जाती है। मुरादाबाद के नायब इमाम सैयद मुफ्ती फहद अली ने ईद उल अजहा 10 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। रविवार की सुबह ईदगाह के मैदान में सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। पुलिस व प्रशासन के द्वारा तैयार की गई गाइडलाइन का पालन सभी नमाजी करें। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और आपसी भाईचारा कायम रखें। इस प्रकार से पूरे भारत में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार 10 जुलाई को मनाया जाएगा। इस्लाम के द्वारा इस माह को ज़िलहिज्जा के नाम से भी जाना जाता है। अपने नागरिकों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 10 जुलाई 2022 बरोज इतवार को इंशाअल्लाह ईद उल अजहा है। मुरादाबाद की ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज इंशाअल्लाह 8 बजे अदा की जाएगी। आप हज़रात वक्त का ख्याल रखें। इसके अलावा कुर्बानी की जाती है, ये सुन्नत इब्राहिमी है। हमें और आपको चाहिए कि खुशू खुजू के साथ अल्लाह के राह में जानवरों को कुर्बान करें। दूसरी तरफ हमारे पास जो सूबह उत्तर प्रदेश से लखनऊ से जो गाइडलाइनें आई हैं उसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी इबादत भी हो जाए, त्यौहार भी हो जाए और गाइडलाइन पर अमल भी हो जाए। हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे, ये हमारा मकसद होना चाहिए और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। कुर्बानी के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफाई का खास ख्याल रखें। किसी ऐसी जगह पर कुर्बानी ना करें जिससे किसी आने जाने वाले को तकलीफ पहुँचे। इसके अलावा जो जानवर का ओज है उसको जब तक आप अपने पास ही रखें, जब तक नगर निगम की टीम उसको लेने ना आ जाए, कहीं बाहर चौराहे पर या किसी गली के मोड़ पर न डालें, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा गोश्त को लाने ले जाने में ढककर लेकर जाएं। गरीबों का ख्याल रखें, जिनका हक है उन तक उसका हक पहुंचा दें, यही कुर्बानी का मकसद भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ईद को, हमारी कुर्बानी को और जो हमारे भाई हज के लिए तशरीफ ले गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे, यही हमारा मकसद है और इसी पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसमें हमारी भी कामयाबी है, हमारे मुल्क की कामयाबी है। अल्लाह ताला से एक बार फिर दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम काम बआसानी अंजाम पाएं, यही हमारी दुआ है।